तो गाइज यहाँ से हम चलेंगे नवीन निवास और वहाँ से हम जाएंगे राजमहल, उसके बाद सीआरपी। देखते हैं ये जो स्टैचू आप दिखता हुआ है ना आपको, ये स्टैचू तो वो है हमारा बीच पर। यूनिटी। नहीं भाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये नहीं है, ये है स्टैचू ऑफ यू नो द ग्रेट लीडर ऑफ उड़ीसा, बीजू पटनायक। तो लगभग आपको जो भी उड़ीसा का ना जितने भी आपको एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा काफ़ी एकदम मेजर पोर्शन ना आपको बीजू पटनायक के नाम पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो लास्ट लगभग 25 ईयर्स से नवीन पटनायक है जो गवर्नमेंट है। तो नवीन पटनायक का पिताजी है बीजू पटनायक, तो उसके अपने पिताजी के कोमामोरेट करने के लिए उनके पिताजी का सारा नाम में बीजू पटनायक रख दिया। बीजू पटनायक पार्क, बीजू पटनायक स्कूल, बीजू पटनायक कॉलेज, बीजू पटनायक एयरपोर्ट, आपको हर एक चीज़ में ना बीजू पटनायक ही मिलेगा। कभी ठीक है, मतलब बीजू पटनायक ऐसे नहीं कि वो लायक नहीं है, वो है लायक। उड़ीसा को उड़ीसा बनाने वाला बीजू पटनायक ही है, और उड़ीसा में क्योंकि पहले ये फर्स्ट एयरपोर्ट था, मतलब काफ़ी दिनों से ना इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला गया था, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन नहीं होता था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होता था, आजकल होने लगा है। और काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट भी है, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है मतलब। और इसको छोड़ के ना कुछ बीर सुरेंद्र साय कुछ ऐसा कुछ एयरपोर्ट भी बनाया गया है झारसुगुड़ा या फिर ऐसे कुछ जगह पे, नया है वो, वो इंटरनेशनल नहीं है, वो बस मतलब देश के अंदर ही चलता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्चुअली गलत बोल दिया था कि एक ही एयरपोर्ट है, क्योंकि उसको नया बनाया गया था, तो उसको मैंने उसको कंसीडर नहीं किया था, और काफ़ी मेरे को ना मे मतलब वो कमेंट्स आए थे। तो गाइज आई रियली यू नो अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड आई थिंक इस वीडियो में मैं उसको करेक्शन किया हूँ, और थैंक यू फॉर यू नो टू मेक मी करेक्ट। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस टू वॉच माई वीडियो। तो गाइज देखो अभी हम जो सीधा चलते हैं ना, यहाँ जाने के बाद हमको जो राइट साइड, आपको देखो ये जो जगह है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट रोड है, क्योंकि ये जगह काफ़ी क्लीन भी होता है, काफ़ी शांत भी होता है, और इतना अच्छा रोड कि मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यार, बढ़िया वाइब्स आता है यहाँ पर। यहाँ पर जो राइट साइड आपको दिखता है ना, हम जाएंगे नहीं उस साइड अभी, तो उस जो साइड है ना वो है नवीन निवास, जहाँ पर नवीन पटनायक रहते हैं। और ये टोटल एरिया जो है ना वो काफ़ी मतलब वो सिक्योरिटी वाला एरिया में आता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब आप देखते हो देख पा रहते होंगे अभी बहुत सारे पुलिस यहाँ पर तैनात है, तो काफ़ी है ना सिक्योरिटी वाला एरिया है। अभी चलते हैं यहाँ से, मतलब ये एरिया भी पहले तो मैं बोल रहा हूँ मतलब 3-4 साल पहले ये जगह मतलब फिर भी मतलब नवीन निवास होते हुए भी ना ये जगह इतना अच्छा नहीं था, आजकल काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बार बार जो इंटरनेशनल मतलब जो गेम वगैरह होने लगा है ना, तो आजकल इसको थोड़ा सुधारा गया है। और स्पेशली अब जब लास्ट टाइम जो FIH का मैच हुआ ना, तब से लेके थोड़ा ना सीरियस हो गया है गवर्नमेंट कुछ काम करने के लिए। अभी तक मतलब सो रहा था, मेरे को ऐसा लगता है, क्यों अभी थोड़ा काम करने लगा है यार। अभी यहाँ से ना हम चलते हैं राजमहल होके चलते हैं, क्या बोलता है, राजमहल या फिर बीजू पटनायक पार्क होके चले जाएंगे, बता। राजमहल चलेंगे क्या? चल ठीक है फिर, जो तुम बोलो। बता भाई कहाँ चले, राजभवन या फिर बीजू पटनायक पार्क? अच्छा ठीक है फिर, यहाँ का ना सबसे बेस्ट प्लेस तो आज मैं तुमको घुमाऊंगा, एकाम्र चौक, जो शिशु भवन चौक है ना, अभी हम चलेंगे शिशु भवन चौक। शिशु भवन चौक के बाद जो आता है ना वो है, वो एक ट्राइबल मेला होता है वहाँ पर, तो वो ना काफ़ी अच्छा, फ़ोटो तेरे को खिंचाना है ना तो वहाँ चल, बढ़िया फ़ोटो आएगा वहाँ पर। तो गाइज आप अगर कोई ना ट्रैवल कर रहे हो उड़ीसा में और भुवनेश्वर में ट्रैवल कर रहे हो, तो फ़ोटो अगर लेना है ना तो आप वहाँ पर शिशु भवन चौक पर आ जाओ, और काफ़ी ना आपको एक अच्छा जगह मिल जाएगा फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। भीड़ भी होता है, लेकिन देखते हैं अभी चलते हैं कितना भीड़ है, मैं तो देख लेता हूँ, मेरे को नहीं पता अभी अभी, क्योंकि टाइम अब कुछ 8:35 के पास है, तो लगता नहीं है ज़्यादा भीड़ होगा, फिर भी देखते हैं यार।
ओ भाई छोड़ा है। भाई यहीं पर हम रुकेंगे या आगे जाके रुकेंगे, क्या बोलता है? हाँ हाँ एकदम बोलो बोलो। थोड़ा फोटो लेके हम चलेंगे, अच्छा है ना ये जगह? चलते हैं फिर वहाँ पर, गाड़ी रख के थोड़ा फोटो लेते हैं फिर चलते हैं। भाई 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 इसको बंद कर दो। हाँ वीडियो ऑन करो ना, बंद करो ना, थाओ थाओ रे, थाओ कट दो लेकिन ना कट से नहीं। ये देखिए भाई, चल इसके अंदर चल, चलते देखा मैं चलता हूँ, यहाँ जा, अच्छा इसके अंदर। तो भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र भी बोलते हैं, तो यहीं पर वही लिखा है एकाम्र क्षेत्र, तो यही है। मतलब बहुत रेयर आता हूँ मैं इस जगह पे, चलता तो हूँ इस साइड पे, जाता तो हूँ, लेकिन कभी उस मतलब इस जगह पे नहीं आया फोटो खिंचाने के लिए। आज थोड़ा फोटो ले लेता हूँ यार।